जिलों की नगरी उदयपुर में 17 से 18 दिसंबर को आयोजित हो रहे भारतीय जैन संगठना के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को जोरों शोरों से अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारतीय जैन संगठना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र लुंकड़ ने प्रेस वार्ता में बताया कि BJS एक संगठन नहीं वरन विचारधारा है। 37 वर्षों के बाद अपने इतिहास में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन, सामाजिक विकास और शैक्षणिक कार्यों से संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए हैं। संगठन का मुख्य आधार कार्यकर्ताओं का विशाल नेटवर्क है। इस संस्था में 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता एवं 500 से अधिक विशेष प्रोफेशनल व कर्मचारी पूना स्थित कार्यालय में कार्यरत हैं। BJS प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार फत्तावत ने बताया कि अधिवेशन की संपूर्ण तैयारियां अंतिम चरण में है। अधिवेशन स्थल 100 फीट रोड स्थित ओकेजन गार्डन में 40,000 स्क्वायर फीट का विशाल डोम का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 3200 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही 50,000 स्क्वायर फीट का भोजन पांडाल भी तैयार किया जा रहा है। सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए बनाई गई 15 समितियां अपने अपने कार्यों में रात दिन जुटा रही हैं। बाहर से आने वाले प्रतिनिधियों के लिए आसपास के 2 किलोमीटर के क्षेत्र में होटलों में 900 कमरे आरक्षित किए गए हैं, जिसमें सर्दी से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रतिनिधियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन से लाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। संस्कार के माध्यम से, सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के अंदर एक पॉजिटिव भूमिका अदा करने वाले भारतीय जैन संगठना का राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 17 और 18 दिसंबर को झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित है। आने वाले 2 वर्षों में किस तरीके से जैन समाज के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के अंदर एक सशक्त भूमिका अदा की जा सकती है, पानी के जल संवर्धन के क्षेत्र में, मूल्यवर्धन शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने के नज़रिए से, इन सारे विषयों पर विचार मंथन करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर परम आदरणीय शांतिलाल जी मूथा की लीडरशिप और राजकुमार जी फतावत के मार्गदर्शन में ये पूरा 2 दिन का अधिवेशन, जहाँ पर परम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी साहब शेखावत जो जल शक्ति मंत्री है, उनके नियोजन में, उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा जल का काम जो 100 जिलों में यहाँ से आगे होने वाला है, ये सारे काम की योजना समाज के सामने रखी जाएगी।